तो आज की वीडियो में आपको HCOT ब्लड टेस्ट के बारे में कुछ बेसिक जानकारियाँ देने वाला हूँ, जैसे कि इसके नॉर्मल रेंजेस क्या होते हैं या कहाँ पे पाया जाता है हमारे शरीर के अंदर, इसके हाई होने के रीज़न क्या हो सकते हैं, इन सब के बारे में एक जानकारी देने वाला हूँ। तो जो भी लोग पहली बार अगर चैनल को विजिट कर रहे हो तो फ्री में चैनल सब्सक्राइब करना है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर देना और साथ ही साथ आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लेना। तो बात करते हैं HCOT ब्लड टेस्ट। तो दोस्तों यह एक तरह का एंजाइम होता है जो कि हमारे लीवर के अंदर पाया जाता है, यानी कि HCOT हमारे लीवर के अंदर बनता है और लीवर के अंदर यह पाया जाता है। अब बात आता है कि इसको हम टेस्ट कैसे करेंगे। तो जब कभी भी अगर आपको लगता है कि आपके लीवर में कोई प्रॉब्लम है तो आप अपने सुविधा के अनुसार कभी भी सैंपल दे सकते हैं, या टेस्ट कराने के लिए आपको किसी भी प्रिकॉशन की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। जब आपको टाइम मिले या जब आपको लगे तो आप ये टेस्ट परफॉर्म करा सकते हो। अभी आता है कि ये टेस्ट करने से हमको पता क्या चलेगा। तो दोस्तों जैसा कि मैं आपको बताया था कि यह एक एंजाइम होता है और हमारे लीवर में पाया जाता है, तो इस टेस्ट से हमें ये पता चलता है कि हमारे ब्लड में जो HCOT एंजाइम है उसकी लेवल कितना है, वो कितने मात्रा में मौजूद है। और जहाँ तक इसके नॉर्मल रेंजेस की बात करेंगे तो यह 5 से लेकर 45 यूनिट पर लीटर तक यह हमारे शरीर के अंदर पाया जाता है। अगर किसी कारणवश ये जो रेंज है अगर हाई हो जाता है तो समझना चाहिए कि आपको लीवर में कोई ना कोई प्रॉब्लम है। लेकिन जो HCOT एंजाइम होता है वो अगर किसी पेशेंट को अगर हेपेटाइटिस हुआ है, या पेशेंट को अल्कोहलिक लीवर डिसीज हुआ है, या पेशेंट को लीवर सिरोसिस हुआ है, तो उस कंडीशन में जो HCOT होता है यह बढ़ जाता है। लेकिन उसके अलावा जो HCOT एंजाइम होता है यह इन तीनों, यानी कि लीवर सिरोसिस, हेपेटाइटिस और लीवर एल्कोहलिक डिसीज, इसके अलावा भी यह हमारे शरीर में किडनी, मसल्स, हार्ट और ब्रेन, इन चार जगह से भी ये स्रावित होता है, यानी कि इन चार जगह पे भी यह बनता है। तो अगर किसी को किडनी का प्रॉब्लम हो या मसल्स का प्रॉब्लम हो, यानी मसल्स कहीं पे अगर कट गया हो, ब्रेकडाउन हो रहा हो, वहाँ से ब्लीडिंग हो रहा, या किसी को अगर हार्ट का प्रॉब्लम हो या ब्रेन का प्रॉब्लम हो, तो उस कंडीशन में भी जो HCOT होता है उसका वैल्यू बढ़ जाता है। कुछ कंडीशन ऐसे आते हैं जहाँ पे अगर कुछ आप प्रतिबंधित मेडिसिन ले रहे हो, या आप कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए कुछ मेडिसिन ले रहे हो जो कि बिना डॉक्टर को दिखाए हुए नहीं लेना चाहिए, तो उसकी वजह से भी जो HCOT होता है उसके लेवल बढ़ने के चांसेस रहते हैं। तो इस वीडियो में मुझे सिर्फ ये आपको बेसिक जानकारी देना था। तो उम्मीद करता हूँ आपको इस जानकारी से कुछ सीखने को मिला हो। तो चैनल को लाइक जरूर करना, वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।